चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ मैग्नीट्यूड ई नॉट एंड डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इट्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स विल बी क्या होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है। यहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है और यहां पर एक्स की वैल्यू प्लस एक्स है। ठीक है, कह रहा है यहां पर इसको ओ पॉइंट मान ले, इसको ए पॉइंट मान ले। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो एक्स इक्वल टू प्लस एक्स है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो फिगर मतलब इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई X फाइनल माइनस X इनिशियल, X फाइनल माइनस X इनिशियल। तो X फाइनल X इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट कंसिडर कर लो इनिशियल और इसे कंसिडर कर लो फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू एज कंसिडर करो V मान लिया, तो V माइनस जीरो अपॉन X फाइनल, फाइनल ये है तो X इज इक्वल टू X और इनिशियल पॉइंट पे X की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E नॉट होगा, तो ये क्या हो गया, E नॉट इज इक्वल टू माइनस V बाई X हो गया। X को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो V इज इक्वल टू माइनस X इंटू E नॉट ये होगा और ये x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। माइनस एक्स ई नॉट, माइनस एक्स ई नॉट कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।